क्या आप जानते हैं महादेव की तीसरी आंख खोलने से क्या हो सकता है? एक कहानी बड़ी प्रचलित है, महादेव और कामदेव की। ये कथा तब की है जब भगवान शिव की प्रथम पत्नी माता सती के पिता ने यज्ञ का आयोजन किया था, किंतु भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था, जिससे उनका अपमान हुआ था। अपने पति का अपमान देखकर माता सती इतनी क्रोधित हो गई कि उन्होंने उसी यज्ञ में स्वयं की आहुति दे दी थी और अपने प्राण त्याग दिए थे। माता सती के देह त्याग से भगवान शिव इतने ज़्यादा क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने मोह माया से नाता तोड़ लिया और लंबे ध्यान साधना में चले गए। भगवान शिव कई वर्षों तक ध्यान में लगे रहे, इस कारण सभी देवी देवता चिंतित हो उठे। विश्व कल्याण के उद्देश्य से सभी देवी देवताओं ने महादेव के साधना से जगाने का निर्णय लिया। लेकिन किसी में भी इतना साहस नहीं था कि महादेव को जगा सके। ऐसे में स्वयं कामदेव सामने आए। उन्होंने शिवजी को जगाने की ठानी। इसके लिए वे शिवजी के पास गए और अपने धनुष पर प्रेम का तीर चढ़ाकर महादेव की तीसरी आँख की ओर चलाया। इस तीर के प्रभाव से भगवान शिव की साधना टूट गई। अपनी साधना के टूटने से भगवान शिव इतने अधिक क्रोधित हुए कि उनकी तीसरी आँख खुल गई। महादेव की तीसरी आँख से निकली ज्वाला के प्रकोप में कामदेव वही जलकर भस्म हो गए। कहते हैं कि अगर शिवजी क्रोधावश अपनी तीसरी आँख खोले तो पूरा ब्रह्मांड जलकर राख का ढेर बन जाएगा, इसीलिए उनकी तीसरी आँख सदैव बंद ही रहती है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।